चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बचा है अपना और हैडिंग आ गई, समझा भी गया था मैंने थोड़ा बहुत क्या होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस और उसको भी क्लियर करो। ठीक है चलो तो वही डालना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है डालना है। ठीक डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है चलो इसमें लिखना द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप, द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप, द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, द एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग, यहाँ पे कुछ पेपर है ना The ability of a group already present in the benzene ring to direct the incoming group to a particular position. ये जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है, to a particular position is called the directive influence of groups, is called the directive influence of groups. ठीक है, जो ग्रुप या जो एटम है ना पहले से प्रेजेंट है जैसे कि अदिति है ना एग्जाम्पल के हिसाब से, तो उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करेगा कि आने वाला एटम या ग्रुप कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, इसी को हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है ओके, नेक्स्ट लाइन में ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स, on the basis of directive influence of groups, full stop, sorry, comma, the various substituents can be divided into two categories. फर्स्ट कैटेगरी लिखना, फर्स्ट ऑर्थो पैरा मतलब ओ कॉमा पी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, नाम से समझ में आ रहा है ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था अपने, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे फेंकेंगे। ठीक है देखो, द सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स, द सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स, द सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, to ortho and para positions are called ortho para directing groups. example likhna hai sab kuch, example for example बॉन्ड सी एच थ्री एक अल्काइल ग्रुप, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ना वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड सी एच थ्री कॉमा बॉन्ड सी सिक्स एच फाइव, अगर फिनिल ग्रुप भी लगाए तो भी वो ऐसे ही बिहेव करेगा, फिर बॉन्ड सी एल, बॉन्ड बी आर, बॉन्ड आई आपके हाइलोजन, दो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ना, बट जब ये बेंजीन रिंग में कनेक्टेड होते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर भी है। ठीक है ओके, कॉमन ओके, ओ एच बॉन्ड, ओ एच
बॉन्ड OCH3 एल्कोक्सी। देखो जहां लोन पेयर रहेगा ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। क्या हो गया इसका तो बोल दो ना फोन करके क्लास में तब से जब तुम उसे तब से फोन कर। हाँ बॉन्ड ओ सी एच थ्री कौन? देखो बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2 अमाइंस होते हैं, अमाइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है तो इसका एग्जांपल हमने देखा था कि अगर आप टॉलुइन में ही, टॉलुइन जिसके पास एक CH3 ग्रुप पहले से ही है, उसका अगर आप फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराते हो, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन मतलब एक अल्किल हैलाइड देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके प्रेजेंस पे करा देते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो ये लिया, लिया मैंने एक CH3Cl और साथ में ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो अब जो ये अल्काइल ग्रुप है ये कौन से पोजीशन पे जाएगा? एक तो पहले से है, एक ऑर्थो और एक पैरा। ठीक है और हमने देखा भी था ना कि पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर, उसका रीजन भी लिखे थे आपको देखे थे। ठीक है बना लो ये रिएक्शन लिख लो। इसके नीचे माइनर लिखना, उसके नीचे मेजर लिखना। ये हो गया। देखो इन जनरल ऑल द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर, इन जनरल ऑल द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है अब कैसा होता है यहाँ पे देखते हैं चलो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि why they are directing the incoming electrophile towards ortho and para। ठीक है तो ये ले लेते हैं अपन एग्जांपल, फिनॉल का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। OH इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, O के पास। ठीक है OH भी लिखे ना अपन ग्रुप में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ले सकते हैं OH के एग्जाम्पल। अब ये क्या करेगा फर्स्ट स्टेप में, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा जिससे कि ये जम करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां आ जाएगी डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक ही पेयर बचा और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है ना उसने, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बाकी दोनों जगह की बॉन्ड अभी कुछ नहीं करेंगे, क्लियर ये स्ट्रक्चर क्लियर है यहां से यहाँ कैसा है ना। ठीक है फिर अब ये जो है ये यहां बॉन्ड बनाएगा जिससे ये जम करके यहां आ जाएगा डीलोकलाइजेशन। ठीक है तो अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान से देखना, इसका एक आप लोग बनाओगे क्लोरोबेंजीन का सेम ऐसे ही। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका, अब ये वाली बॉन्ड तो अभी रहेगी पूरे रिंग में है ना राइट, ये अभी ऐसी रहेगी, ये बॉन्ड जम करके इलेक्ट्रॉन बन चुका है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बन चुका है, कैसे क्लियर है ये भी? इसलिए तो ये बना ना। अब जैसे यहां पे ये आगे डीलोकलाइज हुआ था, फिर ये आगे डीलोकलाइज हुआ, वैसे ही अब ये भी आगे डीलोकलाइज होगा और ये इधर पे डीलोकलाइज। ठीक तो अब अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये तो OH है ही। ठीक है अब यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया विद द नेगेटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब बॉन्ड बन चुका है और ये तो बॉन्ड पहले ही बन गया था। ठीक है एंड लास्ट ये यहां आएगा एंड ये अपने पोजीशन पे वापस, आपका पांचवा स्ट्रक्चर बनेगा दिस एंड दिस और ये OH। ठीक है हमने स्टार्ट किया था यहां से, एवरी बॉन्ड हैज शिफ्टेड वन प्लेस, ये यहां आ गई, ये यहां आ गई और ये वहां आ गई।
राइट, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो इन तीन पोजिशन पे नेगेटिव साइन है, तो यहीं पे आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जा सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा. दैट इज द रीजन व्हाई OH ग्रुप इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि वो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है और वो डिसाइड करेगा कि आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या आने वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पे जाएगा. क्लियर है? अब सेम पांचों स्ट्रक्चर आप लोग बनाना एंड ट्राई करना बिना देखे बनाने का क्लोरोबेंजीन का. ठीक है, सीएम सीएम भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे. ठीक है, बस OH की जगह सीएल आ जाएगा. जल्दी बनाओ उसको. ये मत बनाना इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, बस समझाने के इनके स्ट्रक्चर के नाम नंबर भी दे देना. ये स्ट्रक्चर नंबर वन, स्ट्रक्चर नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव. तीन लोन पे रुक जाएंगे. पहले तीन थे, पूरे चारों स्ट्रक्चर में दो ही रहेंगे और एक पॉजिटिव साइन रहेगा और आखिरी में वापस चला जाएगा ना. जैसे इसमें शुरू में दो था, वापस लास्ट में दो आ गए. ठीक है,
पक्का? ठीक है, नीचे लिखना। इन स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, इन स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, इन स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई the incoming electrophile, the incoming electrophile attacks at ortho and para positions, attacks at ortho and para positions। ठीक है, नोट करके पॉइंट लिखना। नोट, since ortho and para directing groups, since ortho and para directing groups, since ortho and para directing groups increases the electron density in benzene ring, since ortho and para directing groups increases the electron density इन द बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, तभी तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, कॉमा, देयरफॉर द रिंग गेट्स एक्टिवेटेड, देयरफॉर द रिंग गेट्स एक्टिवेटेड, है ना, देयरफॉर द रिंग गेट्स एक्टिवेटेड, क्योंकि इन जगहों पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होने में बहुत आसानी होगी, राइट। इलेक्ट्रोफाइल निकला ही इलेक्ट्रॉन की खोज पे, और उसको इस पांचों स्ट्रक्चर में तीन जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, उसके लिए आसान हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो देयरफॉर द रिंग गेट्स एक्टिवेटेड एंड द फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड द फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड द फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द रिंग बिकम्स इजियर, further electrophilic substitution in the ring becomes easier, in the ring becomes easier। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट नोट पे ही, ये फर्स्ट पॉइंट था नोट का, सेकेंड पॉइंट लिखना नोट का। हायर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, higher the electron donating ability of the group, more faster is the reaction, more faster is the reaction। More faster is the reaction। So, the electron donating ability of some substituents, the electron donating ability of some substituents follows the order, follows the order, follows the order। ठीक है, ये order लिख रहे जो मैं यहां लिख रहा हूं, इस order में ये electron donate करते हैं, ये आपका decreasing order लिख रहा हूं ना, सबसे पहला तो जो है उसका सबसे ज्यादा ability है electron donate करने का। ठीक है, तो decreasing order में लिख रहा हूं मैं ये order को, लास्ट एक्स मतलब हैलोजन है,
उसने भी चारों का ऑर्डर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। हाँ जैसे अमाइंस होते हैं ना, ये आर एन एच टू एक्चुअली में आपके अमाइंस होते हैं, ठीक है। इसमें एक एक करके मैं एच और हटाते हूँ तो सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन भी बनता है। तो ये जो है ना, ये टर्शरी अमाइन। अब देखो इसमें एन तो है बट एच एक भी नहीं है। बोथ द एच हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, तो इसको कहते हैं अपन टर्शरी अमाइंस। एक होता है सेकेंडरी अमाइंस और ये है प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। अपन जब अमाइंस पढ़ेंगे ट्वेल्थ तक अपन उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अभी इतना जरूरी इसमें नहीं बता रहा था, ठीक है। ये क्लियर है, इस ऑर्डर में रिएक्शन होगा। चलो सेकेंड, ये तो हुआ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकेंड लिखना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हो गया नोट खत्म ना। अब आप देख लो ऑर्थो पैरा क्या नंबर दिए हो, उसके बाद वाला नंबर जिसको लेना है। ऊपर लिखे ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस। अब दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब सेकेंड लिखना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें हाइफन डाल के लिखो द सब्स्टिट्यूएंट्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, द सब्स्टिट्यूएंट्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप, द सब्स्टिट्यूएंट्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द मेटा पोजिशन, टू द मेटा पोजिशन, टू द मेटा पोजिशन आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिखते, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड एनओ टू नाइट्रो ग्रुप, बॉन्ड सी एन साइनाइड, सी एन स्टैंड फॉर साइनाइड। एक होता है आपका सी एच ओ, सी एच ओ क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप। फिर एक हो गया आपका सी डबल ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। और फिर एस ओ थ्री एच भी लिख लेना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, कल बनाए थे सल्फोनेशन में, ठीक है। फिर एक लिखो सी ओ ओ आर ग्रुप, ये एस्टर होता है, सी ओ ओ आर इज एस्टर, ठीक है, एक्सेट्रा। उसका रिएक्शन देखते, जैसे अपन ने कल क्लास में नाइट्रेशन पढ़ा था ना, तो वो किसका नाइट्रेशन था, बेंजीन का। नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और नाइट्रेशन से हमें क्या मिला था, नाइट्रोबेंजीन, ऐसा कुछ था। इस रिएक्शन को मत लिखना, तो मैं कल वाला याद दिला रहा हूँ, पर ऐसा कुछ किया था ना। पर अब अगर इस बेंजीन रिंग में पहले से एक नाइट्रो लगा है जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब अगर आप इसका नाइट्रेशन करवाते हो, है ना, सेम कंडीशन सेम रहेगी, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक नाइट्रो जो पहले से था वो तो रहेगा ही, अब जो नया नाइट्रो आएगा वो कहाँ आएगा, बेटा पोजिशन, समझ रहे हैं। उसको नीचे वाले बनाओ, ऊपर वाला तो समझाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने आपको ऊपर वाला बनाया, ठीक है। मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। तो वो मेटा देख के समझ में आया कि एक के बाद एक नहीं लगाना है, ऑपोजिट में भी नहीं लगाना है, एक छोड़ के लगाना है। तो अगर आप यहां लगाते हो एक, तो दूसरा यहां लगा सकते हो या यहां लगा सकते हो, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं है कि ये यही यही लगे, एम आई क्लियर। आप इन दोनों को यहां लगाए हो, वो दोनों यहां भी हो सकते हैं या यहां भी हो सकते हैं, एक पोजीशन का फर्क आना चाहिए बस, इसी को तो मेटा बोलते हैं ना। है? नाम भी लिखे ना, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब इसका समझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसा पहले पीछे फिनॉल का बनाया, क्लोरोबेंजीन का बनाया ना, वैसे इसका बनाते हैं। चलो देखना,
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोबेंजीन है पहले से, ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, जैसे पिछला तो समझ में आ गया कि वो दोनों ऑर्थो पैरा क्यों है, क्योंकि वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, उसने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई थी और वो भी कुछ सेलेक्टेड पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। अब ये क्या करने वाला, देखो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा रिंग से, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चालू किया, ऐसा समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इधर गया राइट, तो अब क्या होगा आपका स्ट्रक्चर, यहां हो जाएगी डबल बॉन्ड राइट, वो भी डबल बॉन्ड यहां पे, और ये जब ये इधर आएगा तो ये और यहां चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन चार चार बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, मतलब चार से ज्यादा नहीं बनाएगा, यहाँ पे पांच हो जाएगी ना नाइट्रोजन की बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, इससे ये चार बॉन्ड तो बना पा रहा है यहाँ पे, ये ओ नेगेटिव दोनों तरफ, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, आएगा, लेकिन इस कार्बन को तो फर्क नहीं पड़ा रहे, वो यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा था, अब यहाँ बना दिया, उसकी तो चार बॉन्ड कंप्लीट हो रही है, पर नुकसान किसका हुआ, इस वाले कार्बन, तो पॉजिटिव चार्ज वहां आएगा, ठीक है, बाकी दो बॉन्ड ऐसी रहेगी, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ठीक है। पर जब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा, ये इसको फिल करने जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, आएगा ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको तो फर्क पड़ेगा, तो अगला स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, ये बॉन्ड यहां आ गई और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गए, क्लियर है, बाकी ये बॉन्ड तो एक है यहां पे, और इन दोनों को तो अब सेम वैसे ही रखना है, ठीक है राइट, है ना। अब क्या होगा, ये इधर आएगी और पॉजिटिव चार्ज अब कहां चला जाएगा, इधर, ये चौथा स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इधर और ये इधर आई है और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया राइट, और बाकी ये तो अभी सेम ही है, ठीक है, लास्ट ये वापस इधर आ जाएगी, ठीक है, हाँ पॉजिटिव चार्ज वापस कहीं चला जाएगा जहां से पहले था, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, और ये आपका एनो ग्रुप वापस से जैसा था वैसे जाएगा, क्लियर है। तो अब अपन अगर स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 को ऑब्जर्व करें तो वो तीनों साइट अब डीएक्टिवेट हो चुकी है, कौन सी तीनों साइट, और फोर पैरा, अभी वहां पे नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रोफाइल को आसानी हो रही थी वहां जाके अटैक करने में, पर अब क्या इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा तो वहां से रिपल्शन मिलेगा, तो अब उसके पास क्या पोजीशन बच गई, इसको मजबूरन मेटा पोजीशन पे ही जाना पड़ेगा, ये मजबूरी में हो रहा है रिएक्शन, ठीक है, पर होगा और मेटा वाला बनेगा, क्योंकि पैरा और ऑर्थो वाले उसको बैठने नहीं देंगे, रिपेल कर देंगे, ठीक है, बना लो स्ट्रक्चर, पांचो सेम एल्डिहाइड का आप लोग बना सकते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे भी देखो ना, ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था नाइट्रोजन से, इसलिए उस ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा, जिससे इस नाइट्रोजन को मजबूरन इससे खींचना पड़ा, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना पड़ा। सेम चीज ना जब आप एल्डिहाइड क्या बनाओगे, देखो इधर ये है बेंजल्डिहाइड, क्या है ये, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड का पहला मेंबर राइट, एरोमेटिक एल्डिहाइड का पहला मेंबर, आई शुड से, क्योंकि एलिफैटिक एल्डिहाइड का पहला मेंबर HCHO होता है, जो मैं समझा था ना डिफरेंस दोनों में, एलिफैटिक एरोमेटिक कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब यहां पे भी ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो इसको यहां से खींचना पड़ेगा, क्लियर है, फिर इसके भी ऐसी चार स्ट्रक्चर और बन जाएंगे, ये तो एक स्ट्रक्चर बना दिया ना मैंने, अब ऐसी इसके चार स्ट्रक्चर और आपको बना दो, ठीक है, जल्दी इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, क्या पिछले वाले को एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे थे ना, क्योंकि उसने रिंग को एक्टिवेट किया ताकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होना आसान हो जाए, ये तो उल्टा काम कर रहा है, ये तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, इससे इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होना आसान नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा,
ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई दैट दे आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक बना दिया मैं, इसके बाकी चार आप लोगों को बनाने हैं, अभी सेम ऐसी बनेंगे। ये राइटर के ऊपर पॉजिटिव साइन देना बोलते हैं। और एक और फोर्थ स्ट्रक्चर में एक जगह मैं एरो देना भूल गया, कोई आपको तो दिख रहा है कहाँ देना चाहिए एरो? और फोर्थ स्ट्रक्चर पे ध्यान से देखो, फोर्थ स्ट्रक्चर पे क्या हो रहा है, वो एंड एंड और कार्बन के बीच की जो डबल बॉन्ड है वो टूट के इधर आ गई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा? वो की डबल बॉन्ड ही कहा, वो का जो नेगेटिव चार्ज है वो उछल के इधर बॉन्ड लगा है ना, नहीं मतलब ऐसा होगा अभी तो वहां डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको अगले स्ट्रक्चर पे। बनेगा इसको अच्छे से करना ना, अगर इससे थ्योरी क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये ऐसे पांच पांच स्ट्रक्चर दो बार बना के आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और क्यों वो इलेक्ट्रॉन सॉरी क्यों वो ऑर्थो पैरा है और क्यों वो मेटा है। सीक्वेंस में हो रहा है तो है ना, ऑर्डर कोई ज्यादा तो टफ नहीं है, पांच एक सबसे बनाना डन ठीक है। इसमें लिखो नीचे फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर वी कैन से दैट फ्रॉम द अबव स्ट्रक्चर्स वी कैन से दैट the electron density is comparatively higher at meta position। भले वहां इलेक्ट्रॉन नहीं आया है बट इलेक्ट्रॉन गया भी तो नहीं है ना वहां से, तो कंपैरेटिवली उससे तो हायर ही है ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा में, तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंपैरेटिवली हायर एट मेटा पोजीशंस देन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस एंड हेंस द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक And hence the electrophile will attack preferentially at meta position. Okay. In general, all electron withdrawing groups are meta directing.
आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इन जनरल ऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, नोट पे एक पॉइंट लिखो नोट। सिंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द सिंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग सिंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग सिंस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग कॉमा देयरफॉर द रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड देयरफॉर द रिंग gets deactivated therefore the rings the ring gets deactivated and hence further electrophilic substitution becomes difficult and hence further the electrophilic substitution becomes difficult. So it is because of this reason the meta directing groups are also called deactivating groups. Meta directing groups are also called deactivating groups. Second point is now, higher the electron withdrawing ability. I have the electron withdrawing ability of the substituent, of the group bhi likh sakte hain. More difficult is the reaction. ठीक है, एक और पॉइंट है नोट्स में. In case of aryl halide, halogens are little deactivating. देखो हैलोजन है बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तब भी वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, राइट? तो उनको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए था. तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक क्लोरीन लगाए, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी लगाए यहाँ पे, तो हैलोजन है, हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनको तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहिए बेंजीन रिंग से एक्चुअली में, है ना? बट वो उल्टा कर रहे हैं, किसी के पास लोन पेयर भी है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. पर वहां पे एक्चुअली दोनों इफेक्ट होता है. एक्चुअली देखो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इफेक्ट को अपन प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, पढ़े प्लस आर माइनस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, है ना? और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले इफेक्ट को अपन प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते उसको प्लस आई मिलेगा ना. तो प्लस आई प्लस आर दोनों है किसके पास? क्लोरीन के पास. प्लस आर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन रिंग से, और प्लस आई क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है बिकॉज दे हैव लोन पेयर. तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने के कारण ये एक तरह का ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप तो है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट स्टिल ये ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप. तो लास्ट पॉइंट दिख रहा है नंबर, क्या लिखते हो? इन केस ऑफ एरिल हैलाइड्स, हैलोजन्स आर लिटिल डीएक्टिवेटिंग बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग, ये माइनस आई ना सॉरी प्लस आई लिखती हो,
रसायन तो उसका होता है मिथिल का, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना तो उससे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट फुल स्टॉप. द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग डिक्रीजेस. ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग डिक्रीजेस फुल स्टॉप. इन अदर वर्ड्स हैलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट. However, because of plus R effect, lone pairs of electrons participates with pi electrons of benzene ring. However, because of plus R effect, the lone pair of electrons participates with pi electrons of benzene ring and makes it and increases its electron density. ठीक है, तो हैलोजन्स डीएक्टिवेटिंग है बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. इसके पहले जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं. ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था, विद दिस ये चैप्टर खत्म होता है. ठीक है, एक क्लास लेके इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे एनसीईआरटी के, और एक थोड़ा सा रिविजन टाइप का चार्ट बना देंगे इस चैप्टर का. तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, यानी कि परसों आने से पहले, एक बार चैप्टर पूरा रिवाइज कर लें. आठ टाइप की कैटेगरीज में रिएक्शन देखे अपन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. तो ऐसे आठ कैटेगरीज में रिएक्शन पड़े हैं. कुछ कुछ कैटेगरी के रिएक्शन सिमिलर थे, ठीक है, तो उसको अपन एक चार्ट बनाएंगे ताकि एक ही पेज में आपको सारी चीजें दिखे. उसके बाद पढ़ के आओगे तो आप लोग यहाँ जब अपन चार्ट बनाएंगे तो आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ याद आ रहा है, आज कुछ पढ़ के आया तो याद आ रहा है. ठीक है, एक बार सारे रिएक्शन जरूर देखते हैं ना नेक्स्ट क्लास में आने से पहले. ठीक है, थैंक यू.